क्षमा देने का वैज्ञानिक आधार, क्षमा करने का वैज्ञानिक आधार, क्षमा देने का वैज्ञानिक आधार। अगला प्रयोग क्या है? क्षमा देने का वैज्ञानिक आधार। अब तक दुनिया में धरती पे जितनी बातें कान में पड़ी है माफी मांगने या माफ करने से रिलेटेड, स्पिरिचुअली पढ़िए, बाबाओं ने बोला है बच्चा माफ कर दे, भूल जा, बच्चा माफी मांग ले, ऐसी बातें पढ़िए। आज विज्ञान बताएगी क्यों माफ कर दे, आज विज्ञान बताएगी क्यों माफ कर दे, बताऊं? क्षमा देने का वैज्ञानिक आधार। किसी ऐसे इंसान को याद करो जिसको आप दुश्मन मानते हो। पहला एक्सरसाइज आपके लिए, हेलो, इमीडिएट कार्रवाई करो, इसके ऊपर एक्शन करो। इमीडिएट आपके दिमाग में इस टाइम वो आदमी का चित्र और छवि आनी चाहिए जिसको आप दुश्मन मानते हो। आई कि नहीं आई? आंख बंद कर लो तब आएगी, नहीं तो मैं ही में दिखूंगा। आंख बंद करके उस आदमी की इमेज लाओ जिसको आप दुश्मन मानते हो। आई? आंख बंद रखना, आंख बंद रखना, और कोई ये डायलॉग मत मानना मेरा कोई दुश्मन नहीं है, डायलॉग नहीं, बकवास नहीं। उस आदमी का, उस औरत का अपने दिमाग में तस्वीर लाओ जिसको आप दुश्मन मानते हो। आ गई क्या? दूसरा काम बता रहा हूं, उस क्षण को याद करो जिस दिन वो दुश्मन बना था, उस क्षण को याद करो जिस दिन वो दुश्मन बना था या बनी थी। याद कर लिया? याद कर लिया? पहले दुश्मन का चेहरा याद कर लिया, फिर वो घटना याद कर ली, वो क्यों दुश्मन बना था, वो क्यों दुश्मन बना था, और महसूस करो शरीर में क्या हो रहा है। आनंद आ रहा है? गुस्सा आ रहा है? आया कि नहीं आया गुस्सा? पहले दुश्मन को याद किया, क्यों बना था, उस घटना को याद किया। इतना करने मात्र से आपके बॉडी ने कह दिया बदले की भावना का जन्म और मानसिक पीड़ा शुरू। आंखें खोल लो, मैं आपसे पूछता हूं यह सच्चाई है कि नहीं है। पहले दुश्मन को याद किया, कब दुश्मन बना वो याद किया, और इतना करने से शरीर में हरकत और संवेदनाएं चालू हो गई, और जैसे ही शरीर में संवेदना चालू हो गई तो दो घटनाओं का जन्म हो गया, बदला, अपमान का बदला, मेरे अपमान का बदला, इस बात का बदला, इस चीज का बदला। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सच है कि नहीं है? ये जन्म ऐसी घटना आपके शरीर में ले रही है कि नहीं ले रही है? हेलो, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं मेरी जिंदगी में जब इस घटना को पढ़ रहा था, मैं मेरे दुश्मन का चेहरा सामने लाया, किस दिन बना वो डेट और टाइम याद किया, उससे मेरे अंदर शरीर में जो फीलिंग आई उसको मैंने याद किया, और फिर ये समझ में आया हाँ बदले की भावना पैदा होती है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ये मैंने नहीं पढ़ा था ना, ये नहीं पढ़ा था तब भी मुझे इसकी सॉल्यूशन पता थी। मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा में बदल जाती है, मानसिक पीड़ा शरीर की पीड़ा में बदल जाती है। आपने देखा होगा दुनिया में जितने ज्यादा लोग ऐसे हैं ना धरती पे जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, वो सूख के टांटे रहते हैं, टांटे। नहीं समझ में आए? कई बच्चों को आप सारे प्रोटीन दे दो, कई बच्चों को सारे आइटम दे दो, सूख के रहते हैं। क्यों? एक ऐसा वायरस जिस जगत में है जिस वायरस का नाम विज्ञान को भी पता नहीं है, उस वायरस का नाम है टल्ड। टल्ड, बोलो मुंह से क्या नाम है उस वायरस का? ये वायरस का नाम इतना जबरदस्त है, जिसके अंदर टल्ड नाम का वायरस है, उसको पूरी दुनिया के हेल्थ सप्लीमेंट दे दो, फूड सप्लीमेंट दे दो, जिसके टल्ड है ना, टल्ड, उसका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा में बदल जाती है, और सुनो, शरीर की कोशिकाओं, उत्तकों और सभी अंगों में फैल जाती है। रूस के वैज्ञानिक था पावलाव,
उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक हॉल में चारों तरफ एक्सरे मशीनें और कैमरे लगा दिए, बिल्ली को लाया, भोजन दिया, भोजन बिल्ली ने, दूध पानी सब लिया और एक्सरे में दिख रहा है तुरंत उसके भोजन के पाचक रस उसकी तरफ आने लग गए भोजन की तरफ और रसों ने उसको पचाना चालू कर दिया। अचानक इसने कुत्ता एंटर करवाया, कुत्ता एंटर करवाया और एक्सरे मशीनों में साफ दिख रहा था, रस वापस जाते हुए दिख रहे थे, वापस कोशिकाओं में सिकुड़न होती जा रही थी, बॉडी में संवेदना मच गई, बॉडी में भय और डर से कांप गई। अपने दुश्मन को याद कर लो, कब बना था वो याद कर लो, शरीर में क्या हो रहा है वो याद कर लो, बदले की भावना और मानसिक पीड़ा शुरू हो रही है, मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा में बदल रही है और शरीर की कोशिकाओं और उत्को और सभी अंगों में फैल रही है। तो बन जा चाहे तू अरबपति, सुखी नहीं होगा रे, कुछ भी कर ले, इसका इलाज यही है। संसार के सब चीजों का इलाज दौलत नहीं है, दौलत से दौलत संबंधित इलाज होते हैं, दौलत से संबंधित इलाज होते हैं। मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा का इलाज उसी से रिलेटेड होता है, क्षमा करना ही उपाय है, परिणाम बहुत बुरे होते हैं। इस दुनिया में 6 प्रकार के लोगों के विचार चलते हैं, इस दुनिया में 6 प्रकार के विचार चलते हैं। रंगों में बांटूं तो काले से लेके सफेद तक आऊंगा, रंगों में बांटूं तो काले से सफेद की तरफ आऊंगा, काला, नीला, कबूतरी, पीला, उजला और सफेद, इसकी तरफ आऊंगा। उदाहरण बताता हूं क्या है ये, जिसको घोर जिंदगी में अपने ऊपर क्रोध आता है और लोगों के ऊपर क्रोध आता है, उसके भाव कैसे होंगे और घटते हुए कैसे होंगे। 6 दोस्त थे, जंगल से गुजर रहे थे, तो एक दोस्त ने बोला यार भूख लग गई, यार भूख लग रही है। तो एक दोस्त ने उसका जवाब दिया, अरे ये रहा आम का पेड़, अभी खुलाड़ी दे, अभी उड़ा देता हूं, नीचे पटकता हूं, तू आम ही आम खा ले। एक ने बोला भूख लग रही है, तो पहला रिएक्शन क्या आया, ये खुलाड़ी से पेड़ को उड़ा देता हूं, अभी तू आम ही आम खा ले। ये जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे घिनौना विचार है। ऐसे विचार के लोग कहते हैं चाहे मेरी दोनों फूट जाएं, लेकिन उसकी भी दोनों फूटनी चाहिए साले, चाहे मेरा सब बिक जाए, उसको मैं बर्बाद करके रहूंगा। ये विचार दुनिया में सबसे कालापन और सबसे विषैलापन रखता है, ये सबसे सबसे घनघोर, इससे थोड़ा नीचे। दूसरा दोस्त कहता है पूरे पेड़ को क्यों काटता है, डाले काट ले, पूरे पेड़ को क्यों काटता है, डाले काट ले। तो वो कह रहा है अरे उसके दोनों मत फोड़े, एक फोड़ ले यार, दिख जाना चाहिए ना, उसको दिखना तो चाहिए, दोनों मत फोड़े यार, लेकिन फिर भी फोड़ने पे तो है, ये फोड़ने पे तो है। तो दूसरे वाला कह रहा है पूरा पेड़ नहीं, डाले काट ले। तीसरे वाला कह रहा है यार डाले मत काटे, ये टहनियां काट ले जहां लगे हुए। तीसरा क्या बोल रहा है, टहनियां काट ले, काला, अब रंग में थोड़ा फर्क आ गया नीला, अब थोड़ा फर्क आ गया कबूतरी, लेकिन तीनों अभी तक काट पीट की बातें चल रही है, अब थोड़ा पाला चेंज हो रहा है। अरे यार टहनियों को मत काटे, गुच्छे तोड़ ले, गुच्छे तोड़ ले, समझ में आ रहा है। पांचवा बोलता है यार गुच्छे को पूरे को मत तोड़े, उसमें से पके पके तोड़ ले। और छठा बोलता है अरे सुनो ये पड़े, अबे ये पड़े, ये खा लो, उठा के साड़ो, नीचे देखो तुम क्या क्या काट पीट रहे हो, ये पड़े। इस धरती पे ये 6 प्रकार के इंसान हैं और इन 6 से आप अगर ऊपर उठ के परमानेंट जिंदगी में सुखी होना चाहते हो और सफल होना चाहते हो, तो मैंने 50 से ज्यादा किताबों में और दुनिया के 50 महान अमीर और कामयाब लोगों से सुन लिया है, सीख लिया है, जिसमें बदला लेने की भावना पैदा हो गई वो बर्बाद होता है और सामने वाले का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। बदला लेने की भावना आपको बर्बाद कर देती है, आप सफल नहीं होते। और आज तक धरती पर कोई किसी का बदला ले नहीं पाया है, उसके पाप का उदय होगा ना, तेरे बदले लिए बिना उसका पूरा काम निपट जाएगा। क्षमा करना ही उपाय है। क्या उपाय है, जा तुझे माफ किया, फिर भी उसकी छवि और आवाज आने से आपके कुड़बड़ाहट तो चलेगी,
उसका इलाज क्या है? आज के बाद ना तुझसे राग, ना तुझसे द्वेष, आप अपनी जिंदगी में उससे किस्सा ही खत्म कर लो, दुर्जन से परमानेंट दूरी, लेकिन माफी अंदर से कर दो, अंदर से माफी कर दो, नहीं पूरा विश्व देखेगा आप दुखी रहेंगे, दुखी आप रहेंगे।